टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया है। टीकमगढ़ शहर में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस का जीना हराम कर रखा था और चोर निरंतर पुलिस का निशाना बने हुए थे। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक M.L. चौरसिया और SDOP कृष्णपाल सिंह के द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में होने वाली संबंधी अपराधों में अपराधियों तथा माल को पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया था। आदेश के पालन में थाना कोतवाली प्रभारी उप निरीक्षक रघुराज सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर चोरों को दबोचने में निरंतर प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें सफलता मिली है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आज आप लोगों ने चोरी का खुलासा किया सर, क्या पूरा मामला था? हमारे यहाँ पे टीकमगढ़ में प्रधानपुरा जो बगिया है वहाँ पे 30 और 31 दिसंबर 2021 की दरमियानी रात में एक चोरी हुई थी। तो चोरी मुकेश जैन जी की दुकान में हुई थी, उसमें राजश्री की छाल 10 बोरा, बीड़ी का बोरा और सिगरेट वगैरह चोरी गए थे। जिस दिन से ये चोरी की घटना हुई थी उसी दिन से लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरोपियों तथा माल को बरामद करने के लिए निर्देशित किया जा रहा था तथा हमारे थाने की टीम उसी में लगातार तभी से लगी हुई थी। आज दिनांक को इस चोरी की घटना के आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है और आरोपियों से चोरी गया मसरूका बरामद किया गया है। तीन आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें एक आरोपी छोटू और प्रकाश झा पुरानी टहरी का रहने वाला है, एक आरोपी राशि आदिवासी अंगड़ा का रहने वाला है और एक रामकेश प्रजापति मोहनपुरा का रहने वाला है। इन लोगों को पकड़कर मसरूका बरामद किया गया। सर कहां से इन लोगों की गिरफ्तारी की गई? इन लोगों की गिरफ्तारी करने के बाद इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद जो मसरूका बरामद हुआ वो इन सभी के घर से बरामद किया गया है और इन लोगों ने जो चोरी की घटना है उसमें गैस कटर का भी उपयोग किया था, वो गैस कटर भी बरामद किया गया। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।